तो आज के हम इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीतम जी की एक प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम उनकी जायज है, उनकी फाइल कॉपी करने में क्या प्रॉब्लम है वो नहीं जानती, लेकिन मैं प्रॉब्लम को समझ गया। प्रॉब्लम ये है कि जब हम मैसेज बॉक्स अप्लाई करते हैं, जब भी हम मैसेज बॉक्स अप्लाई करते हैं या फिर शो करते हैं, तो मैसेज बॉक्स हमारा स्टक कर देता है। जब तक मैं उसको ओके ना करूं, मैसेज बॉक्स नहीं हटता है। तेजिंदर जी, अगर मैंने यहाँ पे एमएसजी बॉक्स कर दिया और यहाँ पे कोई भी फाइल नेम हो, कुछ भी हो, हमें नहीं पता, यहाँ मैसेज फाइल नेम यहाँ पे आप ला सकते हैं प्रीतम जी, ठीक है, इस बेल की जगह पे। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो जब तक मैं इस पे ओके नहीं करूंगा तब तक ये नहीं हटेगा और अगली कोड को रन नहीं करने देगा। बात समझे? ये राइट से। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूं जो मेरा ऐसा हो कि मैसेज बॉक्स को अपने आप कुछ सेकेंड्स बाद अपने आप हट जाए। तो मैंने मैसेज बॉक्स की प्रॉपर्टी को चेक किया, इसमें जो बटन्स है हमने उस बटन्स को चेक किया। तो डिफॉल्ट आपका ये देखिए, आपके पास बटन दिख रहा है, ठीक है सर? मैं क्रिटिकल कर दिया और इसको एक बार ओके करते हैं, क्योंकि ये बटन ओके बटन तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। तो मेरा ये मैसेज बॉक्स से इस चीज का सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन मुझे हमारा पर्पस क्या है, हमें इंफॉर्मेशन लेने की पर्पस है, चाहे वो मैसेज बॉक्स हो या यूजर फॉर्म हो। तो प्रीतम जी हम क्या करेंगे कि एक यूजर फॉर्म यहां बनाएंगे, राइट? यहां पे कैप्स यहां डालेंगे टैग्स। अब आपका जो मैसेज है उस मैसेज को आप कहीं पे स्टोर कर लें और उस यहां पे लेबल पे शो कर दें, लेबल डॉट कैप्शन, ठीक है? अब प्लीज वेट, और यहां पे आप कर सकते हैं, तो बोलेंगे कि सर एक कैसे डालेंगे, तो यहाँ यूजर फॉर्म में इनिशियलाइज हो गए यहाँ पे। तो इनिशियलाइज में आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मी डॉट लेवल वन डॉट कैप्शन, और यहाँ पे आप किसी वेरिएबल से, किसी लिस्ट से, कहीं से डेटा को उठा लीजिए, ठीक है? ग्लोबल वेरिएबल ले लीजिए, उसे उठा लीजिए, तो यहाँ पे दे दीजिए वेट। तो जब ये मैसेज यहां से जब हमारा यूजर फॉर्म हम शो करेंगे, इसको जब ये शो होगा तो इस तरह से दिखेगा। तो ये भी एक मैसेज बॉक्स की तरह ही दिख रहा है ना। यहाँ पे यूजर फॉर्म दिखा आ रहा है, इसकी टाइटल को यहां से चेंज किया जा सकता है, यहां पे क्लिक कीजिए, या कैप्शन में यूजर फॉर्म दिख रहा है इसके जगह पे दे दीजिए इंफॉर्मेशन, या जो भी देना चाहते हैं टाइटल, आप टाइटल दे दीजिए, राइट? बट मेरा पर्पस क्या है कि जब यूजर फॉर्म रन हो तो कुछ सेकेंड्स बाद अपने आप ये हाइड हो जाए, मुझे यहां से क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, राइट सर? तो हम इसी पे डबल क्लिक करेंगे और यहां इन स्लाइड्स के जगह पे मैं सेलेक्ट करूंगा एक्टिव। एक्टिव किया और एक्टिव में यहां हम कर रहे हैं क्योंकि कुछ सेकेंड्स वेट करवाना है ताकि मैं देख सकूं क्या मैसेज है। तो एप्लीकेशन डॉट वेट, राइट सर? और यहां पे दीजिए आप नाउ, मतलब कि करेंट सिस्टम टाइम प्लस कितना सेकेंड टाइम आपको होल्ड करवाना है वो यहां पे टाइम वैल्यू के फॉर्मूले में दे दीजिए कि 00/00/ मैं यहां पे 3 सेकेंड दे दिया, राइट? के बाद मैंने बोला कि अनलोड मी या फिर यूजर फॉर्म वन भी कर सकते हो, मी में एक्टिव होता है लेकिन हर जगह पे मी यूज नहीं होता है, इसलिए यूजर फॉर्म वन कर देते हैं।
अनलोड यूजर फॉर्म ऑन मतलब हट जाता है। अब इसको ट्रिगर करने के लिए एक माइक्रो की जरूरत है, तो यहां पर हमने लिखा यूजर फॉर्म वन डॉट सेव, राइट। अब एक आप इसको बटन से माइक्रो से कहीं से भी ओपन कीजिए, मैंने इसको रन किया, स्टक है मेरा फाइल और हट गया सर। अब बाद वाली प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं ना कि यहां पे मैसेज एक और मैसेज बॉक्स दे देता हूं एमएसजी बॉक्स। कंप्लीटेड, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस माइक्रो को ऑन कर रन करूंगा, रन करते ही मुझे अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आगे सर नेक्स्ट कोड रन हो गया हमारा। तो मैसेज बॉक्स लास्ट में इसलिए दिया ताकि आपकी जो नेक्स्ट कोड है इससे ऊपर की कोड भी आओगी। अब बोलेंगे सर कि फिर मैं यूजर फॉर्म के ऊपर मेरा मैसेज कैसे आएगा, फाइल नेम कैसे आएगा, तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल जो है चूज करने की कोशिश करते हैं कि डिम फाइल नेम एज ए हमने स्ट्रिंग कर दिया, राइट। और यहां पे हमारा हो जाता है एफ एन इक्वल टू फाइल वन टू थ्री डॉट एक्सएलएस एक्स, राइट सर। मैं ग्लोबल वेरिएबल पे जाता हूं जहां पे हमने इनिशियलाइज में जो हमने ये डाला हुआ है इसके जगह पे डाल देता हूं एफ एन तरीके। हेलो सॉरी सर, मैं बता नहीं क्या हुआ था, रीस्टार्ट हो गया था। तो यहां पे जो हम डालेंगे एफ एन, तो हमने क्या किया कि इसमें ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया और उसकी वैल्यू हमने यहां से पिक की। अब ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट कोड से आ सकती है प्रीतम जी, और उसको हमने यहां पे यूजर फॉर्म में यहां पे इनिशियलाइज में ले लिया। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूं क्या सही तरीके से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, इसने ग्लोबल वेरिएबल को रीड नहीं किया, मतलब कि जो मॉड्यूल्स की जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको रीड सिर्फ एक मॉड्यूल में ही होता है, डिफरेंट लोकेशंस पे नहीं होता है। तो एक तरीका यह है, यहां पे हम यहां पे ना देते हैं। ओके, अब एक काम एक मैं करता हूं, एक तरीका और भी है हमारे पास मैसेज इस मैसेज यहां दिवाने का। यहां पे मैं इसी पे लिखता हूं कि यूजर, मैं यहां से भी टाइप कर सकता हूं यूजर फॉर्म वन डॉट लेवल वन डॉट कैप्शन इक्वल टू एफ एन, ठीक है। इसको रन होता है नहीं, इसको मैं इसके ऊपर करता हूं। परफेक्ट है सर। तो हमने हमने हमारा जो क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल हमारा फेल हो गया था कि ग्लोबल वेरिएबल जो हमने भूल गया था आपको बताना है कि जब भी ग्लोबल वेरिएबल हम अप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक मॉड्यूल्स के लिए होता है, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में चाहिए तो एक वर्क नहीं करेगा, समझे। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने कोड दिया था कि कैप्शन डॉट एफ एन स्लाइड में ये हमारा फुस हो गया, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया कि हम ये भी जानते हैं कि हम अपने माइक्रो से ही यूजर फॉर्म के अंदर एडिट कर सकते हैं, तो हमने यही पे बोल दिया कि भाई यूजर फॉर्म वन डेलेबल डॉट कैप्शन इक्वल टू एफ वन, और फिर यूजर फॉर्म को शो करो। अब हमने यूजर फॉर्म जब शो होगा तो हमने यहां पे दिया हुआ कि जैसे यूजर फॉर्म एक्टिव हो वो 3 सेकेंड एप्लीकेशन को होल्ड कर दे, मतलब कि 3 सेकेंड तक कुछ ना करने दे, उसके बाद यूजर फॉर्म को अनलोड कर दे। अनलोड करने की जरूरत इसलिए है कि जब तक यूजर फॉर्म अनलोड नहीं होगी, यूजर फॉर्म से नीचे का जो लाइंस ऑफ कोड है वो आपका परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है? तो प्रीतम जी, तेजिंदर जी, हरीश जी, कोई डाउट आपको इसमें?
कोई डाउट नहीं सर, अगर कोई ज्यादा एमबी की फाइल है तो उसके लिए क्या क्या करें, क्योंकि मैंने एफ वाला जो फोर वाला वेरिएबल दे रखा है तो लॉन्ग फाइल लंबी फाइल है जिससे उसकी काफी एमबी की वो रुक जाती है उसमें कॉपी पे। हाँ सर, उसका कोई सलूशन नहीं है, वेरिएबल कोई सलूशन नहीं है सर, वो जो सिस्टम टाइम लेगा वो टाइम लेगा ही लेगा। उसको आप एक्सेलस में साइन कर दें या फिर उसको सीएसवी फॉर्मेट में साइन कर दें, नॉन फॉर्मेटेड डेटा, तो कुछ ऐसा ऐसा नहीं कि पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। होता क्या था कि जैसे मैंने कॉपी पेस्ट होता ना डेटा, तो बीच मिस्टेक हुई उसको, मतलब जब भी फाइल ओपन होती है तो जितने और सीड्स में और कॉलन है, जोड़ लीजिए ना कि 35 हाँ 16,000 कॉलम मल्टीप्लाई बाय 10,00,000 रो, एंड एवरी सेल को चेक करता है सर, तो डेटा होगा उतनी मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है, इसलिए सिस्टम को टाइम लेना लेता है सर, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर 64 बिट पे होता है, 16 बिट का हम लोग का जो रैम है, रैम 16 बिट का होता है, जो सर्वर उनके रैम मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके बिट बढ़ जाता है, तो वहां पे वो फास्ट चलता है, लेकिन नॉर्मल पीसी पे स्लो ही चलेगा। तो ये समझ में आ गया आपको? अब अगली एक एग्जांपल और मैं बताने वाला, लेकिन उस एग्जांपल का रिलेशन वीवीए से नहीं है, लेकिन वीवीए के एक एग्जांपल को वो पूरी तरह से पुष्ट कर देता है। माफ कीजिएगा, पुष्ट सुबह सुबह बेटे ने बोला है तो मैं भी इसको रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा बोला, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको याद होगा हमने हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि हमारे एक फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स हैं, उस फाइल्स के हर एक सीट का डेटा हमें कॉपी पेस्ट करना है, तो उसके लिए आपने क्या किया था याद है सर? आपने लिए क्या है कि डीआईआर फंक्शन के मदद से डीआईआर फंक्शन की मदद से हमने उसको कॉपी पेस्ट करना सिखाया था, लेकिन आपका डेटा में कॉलम कम और ज्यादा हो तो दिक्कत हो जाती थी, हमने बहुत सारे कंडीशन लगाने पर जाते थे। लेकिन एक तरीका है एक्सेल 16:19 में, जिससे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आपके पास डेटा मेनू बार में अब से देख लीजिए, हमारे फोल्डर में हमारे पास 5 फाइलें हैं, और 5 फाइलों के एक सीट पे डेटा है, उस सीट से डेटा उठाना, राइट? तो हमने क्या किया, यहाँ पे गया और यहाँ हमने डेटा में गए और गेट में फ्रॉम फाइल में यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रॉम फोल्डर पे आप क्लिक करें। ये डेवलपर के अंदर आ गया किसका, किसके अंदर? नहीं नहीं, डेवलपर डेटा में, बार डेटा के अंदर। अब यहां पे मैं ब्राउज करता हूं, अपने पाथ को सिलेक्ट करता हूं, जो मेरा पाथ है इसमें डेटा फोल्डर है, एंड ओके एंड ओके। अभी आपको इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं सारे फाइल्स का लिस्ट आ गया, राइट? अगर मैं सिर्फ लोड पे क्लिक कर दूं तो मुझे इसी फाइल का डेटा दिख जाएगा, लेकिन मैं इनको आपस में कंबाइन करना है तो यहाँ पे कंबाइन एंड लोड का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? कंबाइन एंड लोड का, हमने लोड किया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपको डेटा, यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट फाइल और किस सीट का डेटा शीट का, तो हर फाइल के डेटा शीट से उठा लेगा, राइट सर? तीन पैरामीटर को लेकर चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब आप चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं है किसी में कम और किसी में ज्यादा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कम है जैन 5 मार्च अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे दूसरा में सिलेक्ट कर, दूसरे में एक कम है हमारा, जैन 5 मार्च अप्रैल है ही नहीं, और ऐसे पांच में फोल्डर में आपको देखिए कि मई तक है, मतलब इसमें एक ज्यादा है,
इस तरह की डेटा हो तो कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा जो फाइल पहले फाइल को सिलेक्ट यहाँ पे जो सिलेक्ट करके ओके कीजिएगा उसी फाइल को कीजिएगा जिसमें सबसे ज्यादा कॉलम्स है, ठीक है ना। अगर आपने कम वाले को कर लिया तो कम वाले का अकॉर्डिंग ही आएगा, बाकी को छोड़ देगा। और यहाँ पे क्या होगा कि मई सिर्फ इसमें है F5 में है, बाकियों में क्या है मई नहीं है, तो क्या कर देगा वो ब्लैंक ब्लैंक कर देगा। पासवर्ड एंड इसको ओके करते हैं। अब यहां देखिए कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगेगा और यहां पे डेटा आपका कॉपी हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए अप्रैल आया, अब यहां पे फाइल टू में नहीं था तो नहीं आया, और यहां देखिए फाइल फाइव में एक कॉलम ज्यादा था तो डेटा आया। तो ये कॉलम के फील्ड के अकॉर्डिंग चलता है, समझ गए। अब इस पर मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, बट आप लोग इस पर ज्यादा रिसर्च करें। और इसकी लिमिटेशन की बात कर रहा था, तो लिमिटेशन की इसमें से मान लीजिएगा फोल्डर में 20 फाइलें हैं, आप 5 का ही लेना चाहते हैं, चाहे कोई पर्टिकुलर फाइल को रिमूव करना चाहते हैं या फाइल नेम को अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, अगर आपका डेटा अभितम जी आप खुश मत होइएगा क्योंकि आपकी फाइल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी फाइल में डेटा स्टार्टिंग से नहीं है, समझे। तो डेटा स्टार्टिंग से लेकिन आपके पास अगर डेटा है, क्योंकि आपकी डेटा नहीं थी, आपकी रिपोर्ट थी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अगर आपके पास डेटा फॉर्मेट में है तो यू कैन टू ट्राई दैट, ठीक है। डाउट किसी को?